इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने से मुतालिक मशावरत तेज कर दी। सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि इस केस के फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है। ममनुआ फंडिंग केस को रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आला हुकाम को रोजाना ऑफिस आने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम फैसले से मुतालिक मुआवनत करेगी। जराए ने बताया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने से मुतालिक मशावरत तेज कर दी। सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि इस केस के फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है। ममनुआ फंडिंग केस को रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आला हुकाम को रोजाना ऑफिस आने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम फैसले से मुतालिक मुआवनत करेगी। जराए ने बताया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने से मुतालिक मशावरत तेज कर दी। सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि इस केस के फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है। ममनुआ फंडिंग केस को रोजाना की बुनियाद पर मुकम्मल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आला हुकाम को रोजाना ऑफिस आने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम फैसले से मुतालिक मुआवनत करेगी। जराए ने बताया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाए जाने का इम्कान है।